रो क्यों रहे हैं? हाँ, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से ये आप माँ हैं बच्चे की? मैं माँ हूँ। हाँ? कोई बात, मैं आपका, हमारा बच्चा गुजर गया दुनिया से, आज चले गया सर्दी से। हाँ जो मारा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। इस वक्त मैं जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले में मौजूद हूँ और दिवसर का ये इलाका लांबर का गांव आरी वार्ड मोहल्ले का नाम है। नाज़रीन, इस वक्त हम कुछ ज़िंदगियों को बचाने जा रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है और बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि आज एक मासूम जान का जनाजा इस लिहाज से निकला क्योंकि ठिठरती और कड़ाके की सर्दी में वो बच्चा शायद ये उम्मीद लेकर बैठा था कि शायद उसको इस वतन अज़ीज़ में कोई बचाने आएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस बच्चे का जनाजा आज इसी मोहल्ले में पड़ा गया, तब जब इन्हीं जंगलात के बीचों बीच वो इस, आप खुद देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा मैन को बता दूं, यहाँ पे वो बच्चा जो है रह रहा था। पहले आप देखिए, इसी त्रिपाल के नीचे शेड में ये बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। इस बच्चे के जो चाचा जान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताइए कैसे ये वाक्या पेश हो आ गया और आप कहाँ से हैं, इस जंगल के बीच क्यों रहते हैं आप? गरीब है जनाब, क्या करेंगे, इसमें कुछ माल नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सर्दी में आप मजदूरी करते थे, उसी वजह से बैठ गया इधर। जब बर्फ़ गिर गया, कमल नहीं थे, राशन नहीं थी, फाका से जब बुखार हो गया, दो तीन दिन वो बचा रह गया और वो रात को आज ख़त्म हो चुका। ये कैसे मर गया? बुखार से, ठंड से सर्दी से, कमल से नहीं, खाना पीना भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आज दिखा दीजिए हमें थोड़ा सा, इस तरह क्या है आपके पास, थोड़ा सा दिखा दीजिए हमें। मेरे पास ये था एक कमल। हाँ हाँ। और एक कमल ये थे। हाँ हाँ। बस। हाँ हाँ। यही दो कमल थे। अच्छा, और कुछ नहीं था। इसी में उसकी जान चली गई। हाँ, इसी में उसकी जान चली गई। तो कहाँ से आए हैं आप, क्या करते हैं यहाँ पे? बस हम इस तरह खानी बदोशी में चलते हैं, वहाँ रियासी में भी ऐसे रहते थे। इस साल यहाँ पर बैठ गया, जब बर्फ गिर गए उस सर्दी की वजह से वो बच्चा मर गया। एक दूसरा बच्चा छोटा है, बची है, वो भी मरने के काबिल पहुंच रही है। कहाँ है वो अभी? वो अभी इस्लामाबाद ले गया था डॉक्टर के पास। वो भाई हमारा यहाँ रात हो गया, वो उधर ही बैठा है। वो कल दिन में, आज ही इतवार को मर गई। हाँ, आज इतवार को। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे के बाप का नाम क्या है? बच्चे का बाप का नाम है मोहम्मद जुबैर, बच्चा का नाम था साहिल। एज क्या थी बच्चे की? 10 साल उम्र थी उसका। अच्छा, 10 साल। हाँ, 10 साल। लेकिन मुझे बताएं, आपके लिए कोई सरकार की तरफ से या कोई और उससे पहले आपको देखने नहीं आया? ना, अब उससे पहले कोई देखने नहीं आया। आज तहसील साहब भी आ रहा था, उसने कमल दो तीन भी दिया और थोड़ा चावल शावल राशन। कहाँ है वो कमल? हाँ, कहाँ है? ये वाला। अच्छा, ये वाले कमल। हाँ, ये वाला। ये किसने दिया आपको? तहसील साहब ने दिया, तहसीलदार साहब ने। और ये भी? हाँ, ये भी। ठीक है, ये दो। और ये चावल दे दिया, चावल का एक बैग। हाँ, ये चावल का एक बैग। लेकिन तहसीलदार साहब को आप बता दें कि हमें किसी जगह शिफ्ट कीजिए ताकि सर्दी है यहाँ पे। सर्दी थी, उसने किया ना इकबाल साहब ने, हम क्या उधर शिफ्ट किया, दो घर दो यहाँ किया इसमें। इसने बहुत मदद की इकबाल साहब ने हमारे साथ, जो बर्फ गिर रही थी और कमल शमल भी इसने दे दिया, राशन पत्र भी दे दिया, हम बारिश में उसने बचा लिया। अच्छा, और आज तहसील साहब आ गया, तहसीलदार साहब। उससे पहले नहीं आ गए? ना, पहले कोई नहीं आ रहा है। ये कब आ गए, बच्चा मरने के बाद? हाँ, बच्चा मरने के बाद, जब बच्चा दफन कर दिया था फिर तहसीलदार साहब पहुंच रहा था इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो मकामी लोग हैं उनको हमने बुलाया है, इंशाल्लाह उनकी मदद से हम इन फैमिलीज को शिफ्ट करेंगे। मकामी एक हमारे साथ मौजूद हैं, लोकल। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल साहब। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया यहाँ पे, आपने हमारी चैनल को फ़ोन किया। आपकी भी एक उम्मीद है कश्मीर क्राउन के साथ, इंशाल्लाह आपकी उम्मीद को हम ज़ाया नहीं होने देंगे, आपके साथ हैं हम, लेकिन आज इन फैमिलीज़ की जान को बचाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो ये फैमिलीज हैं, खाने बदोश बकरवाल हैं, हमने बहुत मेहनत से इनको बचाया। 3 तारीख से बर्फ़ शुरू है, तो मैंने सबको बताया कि जनाब इनको बचा लीजिए। फिर मेरे जो तहसीलदार साहब ने बताया कि बर्फ़ बहुत गिर रही है, तो आप इनको इकबाल साहब बचाइए किसी तरीके से। तो मैंने इनको शिफ्ट किया, दो को ऊपर शिफ्ट किया अपने अपने मकान में, तो दो को अपने ससुराल के मकान में शिफ्ट किया। तो आज बच्चा इसको, इनका पास बीमार था, कोई दवाई नहीं है इनके पास,
कोई कुछ नहीं, बीमार है बेचारा, इनके पास खर्चा नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो आप तहसीलदार साहब आज मौके पर आ गए हैं, तहसीलदार साहब ने इनको चावल भी आज दे दिया और कमल वगैरह भी दे दिए, तो नकदी कुछ 1000 रुपया भी शायद इनको दे दिया। तो बाकी आगे कि उन्हें तहसीलदार साहब ने बोला कि आगे हम इनकी कार्रवाई करेंगे, आगे इनको हम रिलीफ भी देंगे और भी कुछ करेंगे, मगर बच्चा इनका आज मर चुका। अच्छा मर चुका है। मर चुका तो वो दफन होगा। अब दूसरी बच्ची भी मरा। कैसे मरा वो बच्चा? वो ऐसे बर्फ से, ठंड से, जब हम लोग बैठे हैं अपने घरों में, हाँ, बिस्तर लेकर, तो कांगड़ी लेकर, इनके पास कुछ नहीं है। खुद देख सकते हैं, ये खुला रहता है, ये खुला, बिल्कुल ये खुला है, ये ऐसे ऐसे। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो दिखाएं कम से कम, यहाँ पे बहुत अंधेरा है इस वक्त, लेकिन फिर भी हम, इकबाल साहब आप मेरे साथ आ जाए, फिर भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको ये विजुअल्स दिखाने की। आप खुद देख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल ये जो शेड है ये खुला पड़ा है, त्रिपाल से इन्होंने बांध लिया है इसको, कई एक जगहों पे टीन थोड़ा सा बांध लिया है। लेकिन इकबाल साहब ये बताएं मुझे, ये जो बच्चा है, क्या बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता, हम उसकी जान नहीं बचा सकते। क्या बताऊं मैं, मुझे अफसोस है उस बात पर कि ये बच्चा गरीब का था, अगर ये अमीर का काश होता तो मुश्किल है इसको बचा भी लेते, मगर बचा भी लेते, मगर ये गरीब का था, भी लेते, बिल्कुल बिल्कुल, अगर गरीब का था, अगर अमीर का बच्चा होता शोर मचा होता, शोर मचा होता, शोर मचा होता, ये गरीब का था, इसको तरफ किसी ने नहीं देखा, तो हमने रजा कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल साहब का कहना दुरुस्त है। नाजरीन जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पर, कड़ाके की सर्दी है, जंगल का इलाका है, हमारी टीम इस वक्त इस माइनस के टेम्परेचर में अपनी जान की परवाह किए बिना, आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल इसी के अंदर इस बच्चे की जान चली गई, इस बच्चे का जनाजा यहाँ से उठा, इस मासूम जान का जनाजा यहाँ से उठा। इनके चचा जान आप खुद देख सकते हैं, इन्होंने हमारे साथ बात की, इकबाल साहब को हमने यहाँ पे बुलाया और एक लोकल हमारे साथ मौजूद थे, मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे हैं, इनको मैं बुलाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल आप हमारे लिए, आपने भी हमें फ़ोन किया, ये लोकल इनकी आवाज़ पर हम यहाँ पर पहुँच गए। इन्होंने हमें ये कहा कि आप, आज गरीब का बच्चा मरा है, अगर ये अमीर का बच्चा होता, अगर ये किसी सरदार, सरकार, ठेकेदार का बच्चा होता, तो इस गलियों में शोर मचा होता। शोर क्यों नहीं आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये एक बकरवाल का बच्चा है, ये एक गुज्जर का बच्चा है, ये एक पहाड़ी इंसान का बच्चा है, इसीलिए कश्मीर की गलियों में कोई शोर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सर्दी की वजह से इन आंखों में आप खुद देखिए, इन आंखों में आप खुद देखिए, आपको खुद नजर आएगा इन आंखों में कितनी मासूमियत है, इन आंखों में। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आपसे बात करने की, मुझे बताएं आप जमीनी हालात, हकीकत क्या है? जी सर, पिछले बर्फ जो बर्फ गिर रही थी, कम से कम हमारे इस विलेज में 10-15 दिनों से रोड ब्लॉक था। अभी भी आप जिस रोड से आए, आपने देखा इस रोड की हालात क्या जी, है जी, जी, जी। बहुत ही मतलब बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे कोई निगरान, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है इस पे सर। तो आप खुद देख रहे हैं किस हालात में हम गुजर रहे हैं सर, यहाँ पे बहुत ही कोई मतलब किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है। शाहिद हैं कि इसी में ये रह रहे थे? हाँ जी सर, बिल्कुल, हम यहाँ रहने वाले हैं, हमें खुद पता है कि ये यहाँ रह रहे थे। लेकिन सर्दी सर्दी, ये बच्चा, बच्चे की जान कहाँ चली गई? बच्चे की जान इसी में चली गई सर। अच्छा सर? इसी में जी सर, बिल्कुल बिल्कुल तो, जी सर, तो आपने हमें फोन किया, आपने हमें ये बता दिया कि कश्मीर क्राउन एक उम्मीद जी है। सर हमारी आपसे ही उम्मीद थी, जब एक बच्चे की जान चली गई, उनका दूसरा बच्चा भी बीमार है। अच्छा बीमार है? हाँ बिल्कुल सर, वो भी जान की बाजी लेके तड़प रहा है इस वक्त सर। हमने कोई उम्मीद नहीं थी, तो आप ही से हमारी उम्मीद थी सर, हमने आपको कॉल कॉन्टेक्ट किया और उम्मीद ही आप इससे बची है सर, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई कुछ नहीं हुआ जी सर। हमने कॉन्टेक्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन से, वो बोल रहे देखेंगे देखेंगे, इनको बोल रहे थे रुको रुको रुको, लेकिन कोई नहीं आया यहाँ पे जी सर। बिल्कुल मैं आपके साथ वादा करता हूँ, ये बच्चे की माँ से मैं मिलना चाहता हूँ, बच्चे की माँ कहाँ है? बिल्कुल हम बच्चे की माँ से मिलेंगे, तो उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे बात ज़रूर हम करेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि इनको यहाँ पे, असल आप रो क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, हाँ अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से, ये आप माँ हैं बच्चे की? मैं माँ हूँ। हाँ कोई बात, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मुझे बताएं क्या हुआ, क्या हुआ? रोने के बगैर मेरे साथ बात कीजिए, रोने के बगैर। उसको बुखार होया 2-3 दिन बस, डॉक्टर शॉक्टर के पास लिया, उन्हें बोला हम इसको इधर एडमिट करेंगे, क्या नहीं है, फिर भी आज दिन गुजर गया। क्या क्या एज थी, उम्र क्या थी उसकी? 10 साल थी उसकी उम्र। अच्छा हाँ 10 साल का बच्चा था। अच्छा आज बच्ची बीमार है, वो भी ज्यादा बीमार, वो भी ज्यादा बीमार है। ये क्या सर्दी कुछ लगी? ये सर्दी लगा, सर्दी सर्दी नीचे, बस इसी टेंट में थी हम। अच्छा टेंट में सर्दी लगा, बस सर्दी से कुछ बन गया उनको बच्चों।
अच्छा सर्दी लग गई उनको, सर्दी लगे सर्दी। तो आप चाहते हैं कि हम आपको शिफ्ट करें कहीं पे अच्छी जगह? हाँ करना करना, हम करेंगे आपको, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक। तो अभी अभी क्या हालत है घर में, क्या क्या सामान नहीं है, क्या क्या सामान? कुछ भी नहीं है घर में, बस आज कमल शमल दिया राशन। कैमरामैन को बता दो अभी 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 क्या 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 किस किस चीज की जरूरत है? यहाँ पे काफी धुआं है इस त्रिपाल के शेड में। बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा अंदर, मैं जूता निकाल के आ जाऊंगा एक सेकंड। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ जाएं। तो यहीं पे आप हाँ हमारा यही मकान है भाई, यहाँ ही रहते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, गरीबी है यार। असली कहाँ रहते हैं आप? पहले रियासी रहते थे, दूरी दूरी करते थे। मुमताज, ये बच्चे का नाम क्या था? किसका जो गुजर गया? साहिल। अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, उसका साहिल नाम था। अच्छा हाँ। तो ये बच्ची भी ज्यादा बीमार है? बच्ची भी बहुत बीमार है, हमारी छोटी बच्ची भी बहुत बीमार है। अच्छा हाँ। तो नाज़रीन यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी एक इंसान को किस तरह उसकी जान की बाजी लगवाने पे भी मजबूर करती है। इसी त्रिपाल के शेड के अंदर ये बिल्कुल अब शिफ्ट हो गए इस वाले में, क्योंकि थोड़ा सा मोहल्ले वालों ने शेड को थोड़ा सा त्रिपाल लगाए हैं, थोड़ा सा इसको कवर किया गया है, लेकिन नीचे वाला जो था बिल्कुल ओपन आपने देखा, वहाँ पे जो साहिल है उसकी जान का जिनाजा आज निकला। और दूसरी बेटी जो है वो भी इस वक्त बहुत बीमार है, बहुत बीमार है वो बच्ची भी। उसको भी सर्दी लगी? सर्दी लग गया, बहुत सर्दी लग गया उसको भी, बहुत बीमार है भी बच्ची। अच्छा हाँ, उसका भी पता नहीं क्या होगा, बहुत घबराहट है मुझे, उसको भी पता नहीं क्या होगा बच्ची के सिर में। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि अल्लाह बचाए आप सबको, सलामत रखे। जब हमारी ख़ासकर जो मुसलमान बरादरी है किसी को ताज़ियत पहुंचती है, तो यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो आके थोड़ा सा दिलासा देते हैं, लेकिन आप ख़ुद देख सकते हैं ये माँ अपने आप को ख़ुद दिलासा दे रही है। आज ही इनका लख्ते जिगर जो है उसका जिनाजा उठा, खुद ही मैंने देखा कि ये अपने आप को दिलासा दे रही है, क्योंकि शायद इन खानाबदोश लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं होता है। इनका इवन दुख दर्द जो है वो उस दुख दर्द को बांटने के हवाले से भी शायद इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये इस बात का आज, चूँकि आज कुछ ही घंटे हो गए, शायद कुछ घंटे हो गए, कुछ घंटे हो गए, आप रोइए मत, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख दर्द समझ। कितने घंटे हो गए? बस 6 घंटे हो गए। अच्छा हाँ 12 घंटे हो गए। तो कभी बोला था उसने कि मुझे सर्दी लग रही है? हाँ हाँ बोलता था, सर्दी लग रही है, आग जलाओ, ये करो वो करो, बहुत तड़पता था। फिर बस हमने आग जलाया, उसको आग आगे रखा शखा, वो नहीं गर्म नहीं हो गया। कमल था जो 2-3 हमारे पास 2 था, वे भी उसके ऊपर डाला, मगर वे गर्म नहीं हो गया, बच्चा को बुखार नहीं था छोटा, वे फिर इसी तरह गुजर गया। उसको बहुत सर्दी लग गया था। आप जी बच्ची है ये भी बोलती है आज मुझे ठंड लग रही है। अच्छा, ये वाली छोटी? ये छोटी बच्ची है, बिल्कुल छोटी बच्ची है उनसे। अच्छा ये भी बोलती है? हाँ ये भी बोलती है सर्दी लग रही है, ये एक छोटी गोद में है इसको भी सर्दी। हमारे पास पला वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं है, आज दिया ये कमल शमल कुछ भी नहीं है। अच्छा, कमल भी नहीं था ना पहले हमारे पास, 2-3 कमल थे बस, कुछ भी नहीं थे, खाने बदोश था उतना ही हमारे पास था, हम गरीब लोग थे, दिन को मजदूरी करते हैं, शाम को बच्चों को खुलाते हैं, कहाँ से लाएंगे कमल, क्या कर सकते हैं, हम गरीब है, जंगल में रहने वाला लोग है, हमको क्या पता है क्या करना है क्या नहीं। आज हमारा बच्चा गुजर गया दुनिया से, आज चले गया सर्दी से, आज हमारा नाज़रीन कभी कभार मैं ये भी सोच लेता हूँ कि आखिरकार इन लोगों की हालत ऐसी क्यों है। अगर हमारे पास हुकूमतें हैं, अगर हमारे पास सरकारें हैं, अगर हमारे पास सरबराहान हैं जो हुकूमत चलाते हैं, तो फिर इन लोगों की हालत ऐसी क्यों है। देखिए हम हर एक जगह नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग न जाने कश्मीर के कितने कोनों में भटकते होंगे, कितने कोनों में ये चिल्लाते होंगे कि काश उनके पास कोई कम्बल लेके आए, काश उनके बच्चों की तन कोई ढके। लेकिन मैं यकीन के साथ कह देता हूं कि आज हुकूमत को महासभा करने की ज़रूरत है, आज हर एक इंसान को महासभा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही हालात रहे, अगर ऐसे ही
माओं के कलेजे कटते रहे तो यकीनन मुझे नहीं लगता है कि फिर हमें हक है ये कहने का कि हम शायद इंसानों की बस्ती में रह रहे हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको ये दिलासा देता हूँ, आज हमारी टीम कोशिश करेगी जब तक हम इनको रिहैबिलिटेट ना करेंगे यहाँ पे तब तक हम वापस जाने वाले नहीं है यहाँ से इंशाल्लाह अज़ीज़। यहाँ के कुछ फरिश्ता सिफत इंसान हम इनको उनके हवाले करके इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगियों में आसानी और राहत लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम आपको इंशाल्लाह किसी घर में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि राहत है उससे? हाँ जी, थोड़ा सा लगेगा आपको कि उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी? हाँ मिलेगी। थोड़ा सा बच्चों की सर्दी जो सर्दी में थोड़ा खत्म होगा बच्चों की। हाँ, किसी जगह मकान शिकान होगा या कोई गर्म होगा फिर रात गुजर जाएगी हमारी। नींद हमको टेंशन है रात दिन परेशानी होती है, सर्दी में कहाँ आएगी नींद या कहाँ क्या होगा कुछ भी नहीं। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह जरूर जरूर हम करेंगे। तो नाज़रीन आपको हम बता दें कि इस वक्त रात के लगभग 9 बज गए हैं और हमने इसी फैमिली को यहाँ से शिफ्ट किया। लगभग 4 खानाबदोश जो फैमिलीज़ है इस आरजी शेड में रह रहे थे और बर्फ़ की वजह से ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सके, जिसके बायस इनके एक बच्चे की मौत भी वाका होगी सर्दी की वजह से। तो हमने हमारी ये महज एक छोटी सी कोशिश है, हमने अपने हिस्से की शम्मा जलाई, हमने अपने हिस्से की हक अदाई की। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप भी अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्लों में गलियों में गांवों में शहरों में नज़र दौड़ाइए कि क्या कहीं पे ऐसे लोग तो नहीं रह रहे हैं जो आपकी मदद या आपकी मावनत के मुस्तहिक हैं या मुंतज़िर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त लगभग रात के 9 बज गए हैं, माइनस का टेम्परेचर है और इसी टेम्परेचर में ये खुलेआम आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बिल्कुल यहाँ पे रहा नहीं जाता हमसे, सहा नहीं जाता है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि इंसान इस वक्त अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी टीम को जिनका जज्बा और हौसला इतना ज़्यादा बुलंद है कि हम कुलगाम से यहाँ पर लगभग दिवसर के इस आरीवाड गांव में लंबर का एरिया है यहाँ पे हम आ गए और इस वक्त लगभग निसफ रात हो गई है। हमारी टीम यहाँ पे ये इस वक्त मनाजिर जो है आप तक इस वक्त इसलिए पहुँचा रहे हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ आए, ताकि आप भी थोड़ा सा जान लें कि ज़िंदगी किस तरह कांपती है, ज़िंदगी किस तरह से मुख्तलिफ लोगों को तड़पाती है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मौत तो बदनाम ही है, वरना तकलीफ़ तो यहाँ पे इन खानाबदोश लोगों को ज़िंदगी ने दिया है, वरना साहिल की जान जो है वो यहाँ पे सर्दी की वजह से इस तड़पती इस कड़ाके की सर्दी में वो तड़पता रहा। अपने माँ बाप बेसहारा थे, लाचार थे, बेबस थे, उन्होंने उनकी जान नहीं बचा ली, इस लिहाज से नहीं बचा ली क्योंकि वो क्या कर सकते थे, वो मजबूर हैं, कमज़ोर हैं। महज हमारी एक छोटी सी कोशिश, आप खुद देख सकते हैं घने जंगलात हैं यहाँ पे, इन जंगलों के बीचों बीच जो है साहिल की जान चली गई, यहाँ पे इनका कोई भी सहारा नहीं था। महज कुछ यहाँ पे इर्द गिर्द जो लोग हैं, कुछ ही घर इनके इर्द गिर्द रह रहे थे इन पहाड़ियों पर, वो यहाँ पर हमारे साथ आ गए। हमने आखिरकार इनको शिप किया, हमने इनको अपने महफूज मकामात तक पहुंचा लिया। हमारा जो फ़र्ज़ था, हमारा जो हक था, हमने अदा किया। अब हमें इंतज़ार है आप अपना हक कैसे अदा करेंगे, आप किस तरह से मुख्तलिफ लोगों की मदद करेंगे। हम हमेशा यही चाहते हैं कि इस वतन अज़ीज़ का बच्चा बच्चा, हर खातून, हर बुज़ुर्ग अपना हक अदा करके अपने हिस्से की शम्मा जला के जो है अपनी मदद जो है आप करें। बहरहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मैं ये कहूँगा कि लगभग इस वक्त -7 का टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन हमारी टीम इरफान तिलगामी का हौसला, इरफान तिलगामी का जज्बा, मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी टीम को कि इस माइनस के बावजूद उन्होंने इस वक्त जो है मेरा साथ दिया और हमारी टीम यहाँ पर आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अंधेरी रात है लेकिन हम इस वक्त लांबर के इस इलाके में मौजूद हैं। हमने आपसे वादा किया है कि तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक ना हम इन ख़ानदानों को, जो बकरवाल ख़ानदान हैं जिनका एक बच्चा साहिल आज जिस मासूम जान का जनाजा यहां से निकाला गया सर्दी की वजह से। अब यहां पे जो फरिश्ता सिफत इंसान कुछ लोग हैं हमारे साथ, इकबाल साहब मौजूद थे, इकबाल साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इकबाल साहब ने हमें बहुत मदद की। हम कोशिश करेंगे कि उन
फैमिलियों को अब यहाँ पे शिफ्ट करने की। इकबाल साहब ने हमें यहाँ पे एक घर दिलाया और इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो घर के जो मालिक हैं उनका नाम क्या है इकबाल? रशीद साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ जो भी है 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम इंशाल्लाह आपको जो भी खर्चा लगेगा इसमें, किराया लगेगा, हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं कश्मीर क्राउन की तरफ से। लेकिन आपको थोड़ा सा इस फैमिली का ख्याल रखना है। कोई बात नहीं जनाब, को हम रखेंगे जनाब, बिल्कुल तो जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। देखिए रशीद साहब ये हमने इस वक्त जाने बचानी है, हमने इस वक्त जाने बचानी है, क्योंकि मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, क्योंकि आपकी बिल्कुल आपकी अपनी फैमिली भी है, लेकिन आपने हमारे लिए एक कमरा यहाँ पे रखा। और इकबाल साहब आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं शुक्रिया आपका करना चाहता हूँ, जो आप लोग वहाँ से आए हैं हमारे मुसीबत की घड़ी में इन बकरवालों के साथ, जिसने आपने साथ दिया हमारा और इन बकरवालों का आपने सहारा बनकर आए हैं। अब आप ये तो बहुत खुश है आप पर कि आप लोग कहाँ से आए, इस वक्त पूरे दिन में जाम में थे, तो शुक्रगुजार तो हम आप लोगों के हैं कि आप लोग हमारे जैसे गरीब, फर्ज भी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं हम कि इनका देखभाल आप अगर आप लोग भी नहीं होते तो मेरे ख्याल में इनका बनता भी कुछ नहीं। इंशाल्लाह इनका दूसरा बच्चा भी बीमार है, तो रशीद साहब इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि आप इनका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, हम आपको सारा एडवांस में 3 महीने का जो भी खर्चा है आपका, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया। तो नाज़रीन अल्लाह की मदद से और अल्लाह की मर्ज़ी से हमने ये जो खानाबदोश 4 ख़ानदान हैं, जिनका एक बच्चा जिन पे आज कयामत का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा, आज हमने इनको इसी रात के दौरान, इसी अंधेरी और ठिठरती ठंड के बीचों बीच हमने इनको उस आरजी त्रिपाल के शेड से शिफ्ट करके एक मकान में हम लेके आए। और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप सब लोगों के भरोसे और आप सब लोगों की मदद से हमने इस ख़ानदान को यहाँ पे 2 मकानों में शिफ्ट किया है और 3 कमरे हमने यहाँ पे किराए पर ले लिए हैं। मार्च तक इंशाल्लाह कश्मीर क्राउन इनका सारा खर्चा जो है वो बर्दाश्त करेगा, और इंशाल्लाह इस हवाले से हमने 3 माह के लिए यहाँ पे जो है इन ख़ानदानों के लिए इंतज़ाम कर लिया है। हम इंशाल्लाह हर एक जो सहूलत है उसके हवाले से इनकी मदद और मावनत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो राशन के हवाले से हो, दवाई के लिहाज से हो, या बाकी जो खर्चे होते हैं इन ख़ानदान के हवाले से। इंशाल्लाह कश्मीर क्राउन इनकी पूरी मदद करने के लिए आगे आया है। आज मैं आपको बता दूं कि जब इकबाल साहब और बाकी लोग जो यहाँ के हैं फरिश्ता सिफत इंसान हैं, इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया, चूँकि ये अब ख़ुद भी करते, इन्होंने ख़ुद भी इनकी मदद की है, लेकिन अब चूँकि इस गांव की हालत वैसी नहीं है कि ये इनकी इनके जो सारे खर्चात हैं वो बर्दाश्त कर पाते, हमारी कौम एक ज़िंदा कौम है, ये हमारे इंसानी लिहाज से और दीनी लिहाज से भी हमारे साथ इनका एक गहरा ताल्लुक़ है, हम इनको इंशाल्लाह किसी भी लिहाज से जो है मुसीबतों का शिकार होने नहीं देंगे। कलेजा आज कट गया जब मैंने ये सुना कि इनका एक बच्चा जो है 10 साल बच्चा वो अजान हुआ सर्दी की बाइस, तो ख़ुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ख़ानदान पर अभी कुछ ही घंटे हो गए उस बच्चे को इन्होंने कब्रिस्तान में दफन कर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद हमारी टीम यहाँ पर पहुँच गई, कुछ ही घंटों के बाद हमने इनका सारा इंतज़ाम कर लिया। इस वक्त रात के लगभग 8 बज गए हैं और इसी चंद घंटों के अंदर अंदर ही हमने यहाँ पे सारा इंतज़ाम कर दिया। मोहल्ले वाले जो हैं इकबाल साहब और उनके अलावा कुछ और लोग हैं उनके साथ उन्होंने हमारा साथ दिया, कश्मीर क्राउन की टीम का साथ दिया। हमारे इरादे बुलंद है, पुरअज़्म है हमारी टीम, इंशाल्लाह ना कभी रुकने वाले हैं ना कभी झुकने वाले हैं इस नेकी के मिशन में, चाहे इसके हवाले से हमारा खून लगे, हमारा जुनून लगे, हम इंशाल्लाह हमेशा इसको जो है बुलंद रखेंगे।
बहरहाल इन्हीं जो असरअंदाज ख़ानदान है इन्हीं में से एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अभी भी हमारे साथ बात की, हाँ, क्या क्या तो अभी हमने आपको शिफ्ट किया इंशाल्लाह अपने इस जो है एक किराए के कमरे के अंदर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ना ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया, बहुत ठीक कर दिया जी। हाँ, हमारा बचना हो गया बस। उधर सर्दी में हम मर चुका था, मगर जब कमरे में शिफ्ट हो गया हम बच जाएंगे यहाँ पर। तो नहीं, दिल से बोल रहे हैं कि आप? नहीं नहीं, दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। तो अभी और कुछ जो भी जरूरत है इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचेंगे, ठीक है? मगर राशन नहीं हमारे पास, और कमल शमल वगैरह कुछ नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह, आप किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए। आप खुद ये देख सकते हैं अंधेरी रात में हमारी टीम आपके साथ है, इंशाल्लाह हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। जिंदगी जिंदगी, ठीक है? तो अभी आपको और कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, और कोई परेशानी नहीं है। खुश है वाकई आप? हाँ खुश है, खुश है। और इकबाल साहब ने बहुत मदद की हमारे साथ जब बर्फ गिर रही। इकबाल साहब तो फरिश्ते हैं, इकबाल साहब की तारीफें हमने भी की हैं। बिल्कुल, एक और इनकी जो अहलिया है हमारे साथ मौजूद है, आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? जी आप गर्मी है इसके में, बहुत अच्छा कमरा है। हाँ गर्मी महसूस हो रही है हमको, ठीक। उधर तो मार चुके थे, उधर सर्दी बहुत लगती थी। तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं जी आप जो है आपकी जान बच सकती है? हाँ बच सकती है, बच सकती है। इधर गर्म है कमरा, बच सकती है इधर जान, बच्चा शच्चा हमारा इधर बच जाएगा। उधर तो मार चुका था ना, उधर बहुत सर्दी लगती थी हमको। हाँ इधर थोड़ा गर्मी है, इधर नहीं मरेंगे कुछ। अच्छा हाँ, मगर हमको एक राशन का तंगी है और कमल शमल का। इंशाल्लाह सारा कुछ होगा, सारा कुछ हम कर देंगे। हमारा बचाव एक भरोसा है ना हम पे? भरोसा है, भरोसा है, तुम्हारे पर भरोसा है। अच्छा। साहब हमारे साथ मौजूद है, एक मुकामी शहरी है यहाँ के, इसी मोहल्ले लंबर के आरी वार्ड में, आरी वार्ड में रहते हैं। तो इकबाल साहब अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर मैं ये बात दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूँ कि हमने भी किया, जब आप पहुंचे आपने ये बर्दाश्त नहीं किया। हमने तो दो को शिफ्ट किया था, दूसरा मकान नहीं मिल रहा था हमें। आप इस वक्त खुद ही पहुंच रहे हैं आप अब्दुर्रशीद के पास, ये भी बहुत इज्जतदार हाजी साहब है। तो इन्होंने बोला कि मेरा अगर मकान भी जान भी जाएगी इनके लिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इस वक्त मेरे ख्याल में अच्छे रहेंगे ये लोग, तो आपकी वसादत से जब आप लोग इनकी मेहनत करेंगे, आप लोग इनकी देखभाल करेंगे, तो मुझे ख्याल है अब इनसे आगे कोई नहीं मरेगा, तो आप तो ठीक रहेंगे ये। आपको भरोसा लग रहा है आपके? नहीं जी, इनका ठिकाना बिल्कुल, ठिकाना बिल्कुल जी, बढ़िया ठिकाना इनका बना दिया आप लोगों ने, कि बहुत मशहूर है हम आप लोगों के भी कि आपने इनका ठिकाना बहुत बेहतरीन ठिकाना बना दिया। इस ज़्यादा इनको इनको तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अब अगर मार्च तक इनको आपने ठिकाना बना 3 माह के लिए बना दिया, तो इनको पता लगेगा अब वह सर्दी की क्या हालत थी, तो अब इनको बहुत अच्छी तरीके से बैठे हैं ये लोग, तो बिस्तर वगैरह भी है। तो आप इनका मेरे ख्याल में आप ही इनको एक चीज़ देखनी है आपको, एक इनको बिस्तर विस्तर नहीं है। बिल्कुल, आप वो लिस्ट हमें दें बिस्तर। तो बिस्तर है इनको, रजाइयाँ सजाइयाँ कमल शमल कुछ होना चाहिए, दूसरा इनको राशन वगैरह है, तीसरा इनका दवाई शो ही है। इनके पास पैसे भी नहीं ना, खर्चे भी नहीं है इनके पास, तो हमने रजाकार तौर भी हमने इनके लिए पैसा जमा करके इनको दिए भी हमने। तो इंशाल्लाह अब मेरी परेशानी मेरे ख्याल में नहीं होगी, अब आप लोग जिम्मेदार पहुँच गए, अब जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर बहुत सकते। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब, और बाकी जो यहाँ पे हमारे साथ ये खानाबदोश हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हमने उन आरजी शेडों से निकाल के जहाँ पर बर्फ़ के नीचे ये दफन हो गए थे, सर्दियों के इस ठिठरती सर्दी में, शदीद सर्दी के 22 माइनस का टेम्परेचर है, जिनकी वजह से एक बच्चे की जान तक चली गई है, एक बच्चे का जो रुख है वो कब्रिस्तान, और आज ही उनकी लाश जो है कब्रिस्तान में दफन कर दी गई। ये मैं समझ सकता हूँ, ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्होंने बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के अपने बच्चे की जान निकलती देखी होगी, इन पर क्या बीती होगी, साहिल की वजह से इनके जिगर पर कितने दाग लगे होंगे, और इनका कलेजा कैसे कटा होगा उस वक्त जब सर्दी के बायस एक बच्चा मर जाता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल हम इनके दर्द और दुख का मदावा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ओपनली ये बता देता हूँ, बट हमने एक काम किया, हमने इनको महज इंसानियत के नाते, हमने महज इनको अपना जो हक है वो अदा करते हुए उस टीम के आरजी शेड से शिफ्ट करके एक मकान में हमने यहाँ पे लाया, और इंशाल्लाह इस अंधेरी रात में, कम से कम निसफ रात इस वक्त है, हम कुलगाम की पहाड़ियों पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद हैं, और इंशाल्लाह तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं जब तक ना हम हर एक इंतज़ाम, ज़िंदगी की हर एक सहूलियत
इन तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह थोड़ी सी मुस्कुराहट इनके चेहरों पर लाने की कोशिश करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। हर एक जो सहूलियत है, मैंने आपको कहा कि 3 माह की जो किराया है, 3 माह का 3 माह का जो इंतज़ाम है रहने का, वो भी हमने इंशाल्लाह किया है। इसके अलावा बिस्तरा, इसके अलावा राशन और बाकी जितनी भी दवाइयों के हवाले से सहूलियात है, इंशाल्लाह इन ख़ानदानों के हवाले से हमारी टीम पेश रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। इरफान तिलगामी के साथ शाहिद इमरान, दिवसर कुलगाम के आरी वार्ड मोहल्ले से हम आपके सामने ये रिपोर्ट ला रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।